अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी है डिनर का टाइम, तो मैं डिनर में बना रही हूँ बेसन चिल्ला। उसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो हैं टमाटर, हैं प्याज, हरा धनिया, बंद गोभी, शिमला मिर्च और हरी मिर्च। बंद गोभी और शिमला मिर्च ये ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, नहीं तो बाकी चीज़ें डाल लें। तो ये हो गया। बाकी हम स्पाइसेस में जो जो लिया, हमने नमक लिया है, ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी, चाट मसाला और सूखा धनिया। चाट मसाला हम खटाई के लिए ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम बेसन में मसाले ऐड करके, एक कप बेसन लिया है मैंने, उसमें डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे। एक मिक्सर से इसका तैयार कर लेंगे। और ये मिक्सचर इस तरीके का होना चाहिए कि ना बहुत पतला हो ना बहुत गाढ़ा हो। उससे ये होगा कि फिर चिल्ला जो है ठीक नहीं बनेगा। कुछ लोग इसको वेज ऑमलेट भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हमने घोल लेना है अच्छे से। तो मैं आपको बताती हूँ इसका आपने कितना घोलना है, किस तरीके का होना चाहिए। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर बेसन को मैंने घोल लिया है। अभी इसमें वेज डालते हैं। वेज डालने के बाद फिर चेक करेंगे, अगर तो ज़रूरत हुई थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। यहाँ पर वेजिटेबल सारी डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और ये काफ़ी मुझे थिक लग रहा है। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और हमारा ये चिल्ला बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। अभी बस हमें इस तरीके का चाहिए, इतना होना चाहिए। तो ये बिल्कुल रेडी है। तवा मैंने गरम कर लिया, तवे पे डालना हल्का सा। आप लोगों ने घी ऐड कर लेना है, ये ज़्यादा डल गया है, ये इतना नहीं डालना। बस इसको आपने ना ग्रीस करने के बाद घी को जो है ना रिमूव कर देना है। यहाँ पर ये हम डाल के इसको फैला लेंगे चम्मच की मदद से। बहुत ज़्यादा बड़ा मत करिएगा क्योंकि ये टूटने का इसका डर होता है, और बहुत ही हल्के हाथों से ये करना होगा। और एक साइड पकने के बाद आपने दूसरी साइड इसको चेड़नी, और बहुत ही हल्के हाथों से आपने इसको पलटना है, ये देखें। और आपने नीचे से एक चमचा पलटा सा लेकर उसको ना साइडों से यानी कि उठाते जाना है हल्के हल्के हाथों से। और ये एज़ अ डाइट वेट लूज भी बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है। इसको खाने से बहुत ही जल्दी वेट लूज होता है। मैं आज मैंने काफ़ी देर के बाद बनाया है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी सर्दी है, इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो ये रेसिपी शेयर कर दीजिए। ये देखिए नीचे वाली साइड जो है ना आलमोस्ट जो है पक चुकी है। इसको इस तरीके से आपने नीचे से छोड़ते जाना है यानी हिलाते जाना है, ये देखिए। बाद में इसको आराम से आपने उठा के ना पलट देना है, ये देखिए हमने इसको पलट दिया। अब उसकी दूसरी साइड जो है हम सेक लेंगे। सेकने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये बन चुका है। अब दूसरा बना लेते हैं। ये दूसरा भी मैंने डाल दिया था, उसकी दूसरी साइड पलटी है। तो अब इसको अच्छे से सेक के ब्राउन करके और हम इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। और ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा हमारा बेसन चिल्ला बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त और खाने में इतना टेस्टी कि लाजवाब। इसके साथ आप पुदीने की चटनी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मैं अभी इसको चाय के साथ खाऊँगी। ये थी मेरी आपके साथ छोटी सी रेसिपी। अगर पसंद आई हो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये इतना कलरफुल लग रहा है ना देख के दिल कर रहा है फटाफट इसको खा लिया जाए। आप लोग भी बनाएं, अपने फैमिली फ्रेंड्स बच्चों को बना के दें, उनके साथ शेयर करें। तो वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।